राजधानी स्थित बैरसिया क्षेत्र में गौशाला में हुई गायों की मौत के मामले को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस ने गुरुवार को गो संवर्धन बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। साथ ही कांग्रेस गो संचालिका निर्मला शांडिल्य के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर हत्या का प्रकरण दर्ज करवाने को लेकर गुहार लगाएगी। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने बताया कि मामले की नजाकत को देखते हुए कांग्रेस शुक्रवार को पूरे दिन बैरसिया क्षेत्र को बंद कराने का ऐलान किया है। विधायक पीसी शर्मा ने आशंका जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में पूरे प्रदेश में गो तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। विंध्य किरण के लिए डेस्क की रिपोर्ट। जिस तरह से बैरसिया में गौ माता की हत्या हुई है और भारतीय जनता पार्टी की नेता निर्मला उसका उनका बेटा ये सब उसमें इन्वॉल्व हैं और गौ माता को चारा नहीं दिया गया, खाने पानी नहीं दिया गया और ये जानबूझ के सब किया है। इस मामले में बैरसिया में शुक्रवार के दिन परसों बंद भी रखा गया है और कल कांग्रेस पार्टी गौ संवर्धन बोर्ड जो है उसका घेराव करेगी, जो कि माता मंदिर पर है, उसका घेराव करेंगे और प्रशासन को गवर्नर साहब के नाम से ज्ञापन भी दिया जाएगा कि इस पर समुचित कार्रवाई होनी चाहिए और इनको सीधी 302 की धारा लगे और जेल भेजा जाए और पूरे मामले की हाई कोर्ट के जज से न्यायिक जांच कराई जाए।